दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया से माफी क्या मांगी, आप में बगावत ही छिड़ गई। केजरीवाल का दाहिना हाथ कहे जाने वाले क्या संजय सिंह, क्या कुमार विश्वास, सबका उन पर से विश्वास ही टूट गया। यहां तक कि पंजाब से आपके सांसद भगवंत मान ने तो माफीनामे को अपना अपमान बताकर इस्तीफा ही दे दिया। अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया से सीएम केजरीवाल की माफी आप पर भारी पड़ती दिख रही है। एक एक कर आपके नेता उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। पहले माफीनामे पर कुमार विश्वास ने तंज कस उन्हें थूक कर चाटने वाला बताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि एकता बांटने में माहिर हैं, खुद की जड़ काटने में माहिर हैं। हम क्या उस शख्स पर थूके जो खुद थूक कर चाटने में माहिर है। इस ट्वीट के बाद केजरीवाल के खिलाफ बोलने वाले नेताओं की लाइन लग गई। माफीनामे से आप सांसद भगवंत मान के मान सम्मान को इतनी ठेस पहुंची कि उन्होंने पंजाब अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। भगवंत मान ने अपने फेसबुक पेज पर इस्तीफे की जानकारी दी। मान ने लिखा कि मैं आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन ड्रग्स माफिया और तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई एक आम आदमी की तरह जारी रहेगी। इस इस्तीफे के बाद आप मान का मान मनोबल करने में जुट गई है, लेकिन मान को मनाना तो केजरीवाल के लिए भारी था ही कि अब उनके करीबी संजय सिंह ने भी इस माफी को गलत बता दिया। संजय सिंह ने लिखा कि मैं अब भी अपने बयान पर कायम हूं। मैं अब भी मानता हूं कि मजीठिया ड्रग्स के कारोबार में शामिल थे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि अरविंद केजरीवाल का इस मुद्दे पर क्या स्टैंड है, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूं। अपनों की बगावत ने विरोधियों को हमला करने का भी मौका दे दिया। कपिल मिश्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि केजरीवाल ने मजीठिया से लिखित में माफी मांगी, पंजाब में ड्रग्स के मुद्दे पर झूठ बोलने पर माफी मांगी। खुद लिखकर दिया है कि रैलियों में, जनसभाओं में, टीवी, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया में मजीठिया के बारे में झूठ बोला। केजरीवाल देश के पहले आधिकारिक झूठे मुख्यमंत्री बन गए। वैसे केजरीवाल ने माफी किरकिरी से बचने के लिए मांगी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये अभियान आप में ही बगावत छेड़ देगा। अब देखना होगा कि कब तक पार्टी में रूठने मनाने का सिलसिला चलता है। डिबेलाइक की रिपोर्ट।